बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इंफो। दोस्तों, मैं हूं मियां रईस महर और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल इजी वर्ल्ड इंफो। आज की जो अपडेट है वो दुबई के हवाले से है। बहुत सारे भाइयों के वीज़े रिजेक्ट और रिटर्न हो रहे थे, तो भाइयों का सवाल था कि भाई हमारे वीज़े रिजेक्ट या रिटर्न क्यों हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है, और इसमें रिजेक्ट में और रिटर्न में आपको फ़र्क भी बताएंगे कि इन दोनों चीज़ों में रिजेक्ट और रिटर्न में फ़र्क क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको फिर बता दूं कि जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आने वाले भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं ना वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जो है, पहले तो विज़िट वीज़ा था जो वो कुछ घंटों में ही निकलाता था, मे बी 4 से 5 घंटों में निकलाता था, लेकिन अब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने को है कि यूएई ने रूल्स बहुत सख्त कर दिए हैं और वीज़ा अगर निकलने को आए तो आपका वीज़ा 2 दिन में निकल आए, अगर निकलने आए तो आपका वीज़ा तकरीबन 8 से 10 दिन में भी ना निकले। तो आप दूसरे नंबर पे आपको बता दूं कि जिन भाइयों के वीज़े अप्लाई होते हैं, अगर वो उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनकी जो फ़ीस होती है वो रिटर्न नहीं होती, वो वापस नहीं होती, वो फीस वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में फ़ीस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिटर्न हुआ है तो रिटर्न बेस पे आपके जो फ़ीस होती है वो आपको वापस मिल जाती है। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो आपको कह देते हैं जी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या रिटर्न हो गया है तो आपकी फ़ीस ख़त्म हो गई है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो जब एजेंट हजरात आपसे ये कहते हैं कि वो आपको नहीं मिलेगी फ़ीस आपकी, तो आप उनसे कोई प्रूफ ले सकते हैं कि जी आपने हमारा वीज़ा अप्लाई किया था तो हमको सीरियल नंबर दे दें या आप कोई प्रूफ दे दें। अगर आप वो सीरियल नंबर देते हैं तो ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हुआ था कि नहीं था हुआ। तो इसके बाद जो भी भाई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो कोशिश करें कि शारजा का वीज़ा आप अप्लाई करें, और शारजा का वीज़ा लग भी रहा है और शारजा के वीज़े पे आप पूरे यूएई में कहीं भी जो है ना वो किसी भी एयरपोर्ट पर आसानी से उतर भी सकते हैं। तो इसके साथ आपको दूसरे नंबर पे बता दूं कि जो मेरे भाई वर्क परमिट वाले हैं, जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, जिनके पास एमिरेट्स आईडी है, छुट्टी आए हुए हैं या वैसे ही वर्क परमिट वीज़ा लेके जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि वो जितने भी भाई जा रहे हैं वो कोरोना सर्टिफिकेट कार्ड लाजमी अपने साथ ले कर जाएँ, क्योंकि उसके बिना जो है वो ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, एयरपोर्ट पे भी आपको प्रॉब्लम बनेगी और वहाँ भी और पाकिस्तान में भी। तो आपको जो पोलियो कार्ड है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, उसकी मैंने वीडियो एक अलग से बना के रखी हुई है, अगर कोई भाई देखना चाहे तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों, ये थी छोटी सी अपडेट जिन भाइयों के वीज़े रिजेक्ट और रिटर्न हो रहे हैं उसके हवाले से, और जो भाई मेरे वर्क परमिट पर या एमिरेट्स आईडी पे ट्रैवल कर रहे हैं दुबई में, उनके लिए भी। तो इसके साथ हम जितने जा रहे थे, आपका भाई मियां रईस महर, अल्लाह हाफिज़।